हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड्स हेवन। आज की रेसिपी है वेज बिरयानी इन प्रेशर कुकर। बिरयानी को कुकर में बनाने से समय भी कम लगता है। सबसे पहले एक कुकर में 2 चम्मच घी डाल देंगे। घी का इस्तेमाल करने से बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। घी गर्म हो गया है, अब इसमें 150 ग्राम क्यूब शेप में कटे हुए पनीर डाल देंगे। इन्हें 4 से 5 मिनट के लिए हल्का कलर चेंज होने तक पकाएंगे। ऐसा करने से पनीर में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। पनीर के पीसेस को बीच बीच में चलाते भी रहना है। ये देखिए, पनीर का कलर हल्का चेंज हो चुका है। अब इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। अब कुकर में 1 चम्मच घी और डाल देंगे। इसमें 1 तेज़पत्ता डाल देंगे, 3 से 4 लौंग डाल देंगे, 1 इंच दालचीनी डाल देंगे, 3 इलायची डाल देंगे, 5 काली मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। इन सभी को 30 सेकंड के लिए मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पकाएंगे। 3 लंबी कटी हुई मिर्च डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इन सबको 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। 1.5 कप फूल गोभी डाल देंगे। फूल गोभी के पीसेस को बड़ा रखना है। 1/4 कप गाजर डाल देंगे। 1/4 कप मटर डाल देंगे। थोड़े से बीन्स डाल देंगे। अब इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं। इन सारी सब्जियों को 3 से 4 मिनट के लिए बिना ढके हुए पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। 1/4 कप टमाटर डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच बिरयानी मसाला डाल देंगे। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो 1 चम्मच गरम मसाला और ऐड कर दें। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें 1/4 कप दही डाल देंगे। दही को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो करने से जो दही है वो सब्जी में डालने से फटेगी नहीं। दही अच्छे से मिक्स हो गया है। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब इसमें थोड़े धनिया की पत्ती डाल देंगे। इसे एक बार चला लेंगे। अब इसमें स्टर फ्राई किए हुए पनीर डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इसमें 1 कप बासमती चावल डाल देंगे। इसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगा कर रख दिया था। चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। पानी डालते समय बहुत ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, वरना जो आपके चावल हैं वो खिले खिले नहीं बनेंगे। इतना ही पानी डालना है कि चावलों से थोड़ा ही ऊपर पानी रहे। पानी डालने के बाद उसे अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें मैं ऊपर से थोड़े से पुदीना के पत्ते ऐड करूंगी। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी आने तक पकाएंगे। 1 सीटी के बाद गैस निकल चुकी है, ढक्कन हटा देंगे। बिरयानी बिल्कुल रेडी है। चावल अच्छे से पक गए हैं। बिरयानी से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। इसे एक प्लेट पर सर्व कर लेंगे। ये देखिए, चावल के दाने बिल्कुल अलग अलग और खिले खिले बने हैं। इस तरीके से आप कुकर में बिरयानी बना सकते हैं। यह बहुत टेस्टी बने हैं और झटपट बन जाते हैं। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।